मीट एक जंग है, एक युद्ध है, एक बैटल है जो हमें लड़ना है और इसकी जर्नी 2 साल की होगी। 2 साल के इस जंग में हमें एक भी कदम गलत नहीं उठाना है ना, क्योंकि हम हैं वो खिलाड़ी जो खेल खेल में नीट निकाल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई नीट एग्जामिनेशन होता क्या है, क्या होता है इसका पेपर पैटर्न, क्या होता है इसका एग्जाम पैटर्न, कितने सवाल होते हैं, किसका वेटेज ज्यादा होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कितने घंटे का एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कब होता है इसका रजिस्ट्रेशन शुरू, कब होता है इसका एग्जामिनेशन, कब होता है इसका रिजल्ट, सब कुछ हमें जानना है, है ना। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम वही जानने वाले हैं और ये काफी डिटेल्ड वीडियो होगा। ये एक वीडियो काफी आपको नीट के बारे में पूरा समझने के लिए, समझ लो ऐसे कि भाई आज नीट की कुंडली निकल रही है आपके सामने, ठीक है। तो ये वीडियो ऑफकोर्स ही बात है 5 से 10 मिनट का होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर 1 शॉट लेकर आपको नीट की हर एक चीज के बारे में बता दूं। तो मेरे खिलाड़ियों, मेरे शेरो शेरियों, कैसे हो, वेलकम टू नीट एक्स, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे शेरो शेरियों की जिंदगी, सब बढ़िया एकदम। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बस आपको इतना बता देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और मुझे बताना कि नीट के बारे में वो कौन सी चीज़ें तो आपको पता नहीं थी जो इस वीडियो में आपको पता चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं ऑफकोर्स उसी बात से कि आपको पता है कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1 ये बात है भाई, जेई और नीट इतना कॉमनली यूज होने लगा है कि हम भूल चुके हैं कि भाई जेई का फुल फॉर्म क्या है, नीट का फुल फॉर्म क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो लिया जाता है जिन बच्चों के लिए जिनको डॉक्टर बनना है। अब इसका जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी गलत है, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे और चीजों के लिए भी नीट एग्जामिनेशन एज एन एंट्रेंस टेस्ट का काम आता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, बट दिस इज व्हाट नीट इज। अब नीट एग्जामिनेशन कुछ सालों पहले तक वो CBSE ही संभालती थी, लेकिन अब वो संभालती है NTA, जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो JEE और नीट दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को हैंडल करती है। CBSE जैसे 10th और 12th के बोर्ड्स को हैंडल करता है, ICSE जैसे 10th और 12th के बोर्ड्स को हैंडल करता है, वैसे ही NTA आपका नीट और JEE हैंडल करते हैं। तो पेपर वगैरह सब यही बनाते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया। सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, ये सब यही निकालते हैं, ठीक है। तो आपके सबसे बड़ा दुश्मन कौन, नीट नहीं NTA, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नीट का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल सी बात है, नीट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 नहीं 4। आपको लगा मैं बोलूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नहीं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हाँ, बायो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बॉटनी और जूलॉजी, इसलिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये इनके लिए 2 अलग अलग टीचर्स को देखोगे, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, और इसका सिलेबस क्या होता है, 11th ग्रेड और 12th ग्रेड का सिलेबस जो आप पढ़ने वाले हो CBSE में, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली NCERT फॉलो होती है। तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूं, अगर आप 11th एंड 12th में CBSE से नहीं पढ़ रहे हो, किसी और बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन है वो, शायद CBSE बोर्ड में रहना आपके लिए काफी अच्छा स्टेप होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो भाई पेपर पैटर्न में इनमें से कितने सवाल आते हैं, टोटल आपके होते हैं 200 सवाल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी चारों को मिलाकर 200 सवाल होते हैं और हर सब्जेक्ट से 50-50 सवाल आते हैं। और इसमें भी 2 डिवीजन कर दिया गया है आपके नीट में, जिसमें एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में होते हैं 35 क्वेश्चंस, जो 35 के 35 मैंडेटरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और दूसरा होता है सेक्शन बी जहां पर होते हैं 15 सवाल, तो दोनों मिलाकर 50 हो गए सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इन 15 सवाल में आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 5 आप छोड़ सकते हो चाहो तो, वो ऑप्शनल है। तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड, क्लियर हो गया। और ये चारों के चारों सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में। तो कुल मिलाकर 200 सवाल हो गए, जिसमें आपको 180 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। चार सवाल में, चारों सब्जेक्ट में 5-5 सवाल आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 180 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब नीट कितने मार्क्स का होता है, हर सवाल के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने सही जवाब दिया है। तो यानी कि टोटल पेपर कितने का हो गया भाई साहब, अगर 180 सवाल का जवाब आप सही देते हो तो 180 × 4 हो जाता है 720 मार्क्स, 720। तो 720 मार्क्स का आपका पूरा नीट का पेपर होता है। अब अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपका जवाब गलत है, तो हर सवाल के लिए आपको -1 नेगेटिव मार्किंग मिलती है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बोर्ड्स में नहीं थे लेकिन इसमें जरूर है, इनफैक्ट JEE में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर ऑफ -1, तो भूलना मत इस बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग, अगर आप मान लो कि कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो, आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो उसमें कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर कट हो गया।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ गई कि भाई बायोलॉजी से आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, जूलॉजी और बॉटनी, जो 360 मार्क्स के होंगे, 360 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंडिविजुअली विल बी 180, सो टोटल 720 मार्क्स. सो मार्क्स वाइज बायोलॉजी टेक्स द फ्रंट पोजिशन बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स एंड इट ऑल्सो बिकम्स द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर नीट सिलेबस, क्योंकि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिक्टो एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भाई काफी आपके 11th और 12th का पूरा पढ़ लोगे लाइन बाय लाइन, तो आराम से आ जाएंगे. बस वो मेमोरी गेन हो जाती है कि भाई आप कितना आप याद रख सकते हो पे दो साल का 11th और 12th का बायो, है ना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब नीट के रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं. नीट में अगर आपको रजिस्टर करना है तो कब करना होता है? फरवरी के आसपास नीट के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, ऑनलाइन लिंक अवेलेबल होती है. नीट का जो ऑफिशियल लिंक है वो है neet.nta.nic.in. यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं. और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि भाई आपका नीट का एग्जामिनेशन मई के महीने में होता है. जैसे इस साल मई 5 को 2024 नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है. ऑल दी बेस्ट टू माई क्लास 12 अमेजिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आप लोग करना मुझे बताया फोल्ड कराओगे. अब आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट पॉइंट. नीट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन फीस भी होती है. तो फॉर जनरल कैटेगरी वो 1700 रुपए होते हैं, यानी कि 1700 रुपीस फॉर नीट एंट्री, फॉर नीट रजिस्ट्रेशन. और मैं आपको ये भी याद दिला देता हूं कि भाई साहब जो मैंने बताया था आपको कि 720 मार्क्स का पेपर होता है, इसको लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे और 20 मिनट होते हैं, 3 hours and 20 minutes. सो इन टोटल 200 मिनट्स होता है. सो यू हैव टू अटेंड 180 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स. Yeah, you heard me. और हाँ, ये बोलना मैं भूल गया था कि नीट ऑब्जेक्टिव पेपर होता है. सो yeah, once again, I am hoping कि आपको समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि जंग इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है. 180 सवाल 200 में, कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई, खिलाड़ी हम, है ना. आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, यू हैव टू पे ₹1600 as per latest information for the registration of NEET. And for all the students who have got a certificate for SC, ST and your physically challenged students, they can pay 1000 rupees for the registration for NEET. Ab samajhte hain ki bhai NEET ka cutoff kaise decide hota hai. ठीक है, नीट का कट ऑफ जेई की तरह एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड होता है. जैसे आपका रिजल्ट्स आता है उसके बाद कट ऑफ रिलीज होती है. ये कहते हुए कि भाई किस किस चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंडेंट है, इन जनरल आपका कट ऑफ डिपेंड होता है कितने बच्चों ने नीट एग्जामिनेशन दिया है. फॉर एग्जाम्पल, नीट इस साल 25 लाख के आसपास बच्चों ने दिया है और उसके पिछले साल दिया था 21 लाख के आसपास बच्चों ने. और आपके 2026 में जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो वो नंबर शायद 28 या 30 लाख के आसपास होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन कितने बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया हुआ है. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई पेपर की डिफिकल्टी लेवल की क्या थी, यानी कि एवरेज स्कोर, इनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एवरेज स्कोर कितना कमाया हुआ है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कितनी सीट्स अवेलेबल है उस टाइम पे. और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि भाई साहब आपका इंस्टीट्यूशंस कितने हैं. तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपका नीट का कट ऑफ डिसाइड होता है. तो भाई इस साल कट ऑफ वी डोंट नो बिकॉज रिजल्ट्स आए नहीं है, एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं है. जब आ जाएगा विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो. और 2026 में हम साथ को मिलकर प्लान करेंगे कि भाई साहब कितना होगा कट ऑफ. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू दी लास्ट पॉइंट फॉर टुडे. और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने की भाई नीट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है. क्या सब लोग लिख सकते हैं? 10 के बाद लिख सकते हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड की एलिजिबिलिटी क्या होती है. ऑफकोर्स ये बात है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक होता है जो है आपका क्लास 12 का एग्जामिनेशन. अगर आप क्लास 12 एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो तब जाकर आप नीट एग्जामिनेशन लिख सकते हो, या तो नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके लिए अनाउंस होता है. अब बात करते हैं कि भाई आपके क्लास 12 में कितने मिनिमम परसेंटेज आने चाहिए सो दैट टू बी कंसिडर्ड कि भाई आप नीट एग्जामिनेशन भी आपका अच्छा गया और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा. लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स 50% आपको कमाना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कंबाइन करते हुए. एंड फॉर योर ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स आप सबको कमाना होगा 40% मिनिमम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टू अटेम्प्ट नीट एग्जामिनेशन. समझ में आ गई बात? चलो गाइस, तो ये था आपका नीट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी. आपको समझ में आ जा चुका है कि भाई दुश्मन का लेवल क्या है, दुश्मन में होता क्या क्या है और कैसे आता है, सब कुछ आप समझ सके हो. अगर आपको इसके अलावा कोई भी और डाउट है नीट को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं नीट के ऊपर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बनाते रहूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना. बट आई वुड लाइक टू नो कि आपके एग्जैक्ट डाउट्स क्या है इन द कमेंट सेक्शन. आपका एक छोटा सा हेल्प करने के लिए मैंने ऑलरेडी सीबीएसई क्लास 11th के सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस निकाल दिया है. फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सारे चैप्टर्स निकाल दिए हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी के अभी लिंक पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर दीजिए हर एक चैप्टर का. क्योंकि मैंने बता दिया था आपको बायो तो भाई डिटो एनसीईआरटी से आता है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट, और फिजिक्स में थोड़ा हाईफाई पढ़ना पड़ेगा. और कहां से पढ़ना पड़ेगा, लेट यू गाइस नो. अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चाहिए नीट के अभी तुरंत, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर टू बी लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ गाइस.
मिलते रहेंगे आपके अमेजिंग नीटेक्स पे. अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. थैंक्स.